नोकिया भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन हुआ करता था। दोस्तों इस बार ये जो स्मार्टफोन नोकिया की तरफ से आने वाला है एकदम धमाकेदार स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि ये इतने सारे फ्यूचर्स भर भर कर ला कर दे रहा है। आप लोग इस स्मार्टफोन को खरीदने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ नोकिया कंपनी की अपकमिंग स्मार्टफोन नोकिया एड्स, जो एक फ्लैगशिप लेवल से लेकर बजट रेंज से लेकर मिड रेंज तक तीनों वेरियंट में ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिलने वाला है दोस्तों। और ये स्मार्टफोन को आप 100% बाय कर ये लोग बढ़ेंगे स्मार्टफोन की स्क्रीन से तो बढ़िया बेस्ट आप स्क्रीन कह सकते हो। अगर आप गेमिंग करना पसंद करते हो तो आपके लिए ये स्क्रीन एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। 120Hz रिफ्रेश रेट वाला ये स्मार्टफोन होगा, साथ ही एक 7 इंचेस का टैबलेट जैसा बड़ी स्क्रीन इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिल रहा है। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की मदद से स्क्रीन की प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, तो इतना बढ़िया स्क्रीन मिल रहा है। तो बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी परफॉर्मेंस स्मार्टफोन में मिला जा रहा है, जो इसको चार्ज करने के लिए लगभग 60W की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इस स्मार्टफोन में मिल जाएगा। USB टाइप सी होगा तो दो वेरिएंट के साथ ये स्मार्टफोन अवेलेबल हो जाएगा, एक होगा 6GB रैम और एक होगा 8GB रैम। यहाँ पर दोनों में भी 128+128GB इंटरनल स्टोरेज कहा जा रहा है, पर एग्जैक्टली हमको तभी पता चलेगा कि इसकी एग्जैक्ट इंटरनल स्टोरेज क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसमें एक गेमिंग प्रोसेसर एकदम बेहतरीन होगा, क्योंकि डेमेंसिटी वाला एक अननोन गेमिंग प्रोसेसर जल्द ही मार्केट में आ सकता है। वैसे ही एक प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में हमको देखने के लिए मिल सकता है। और कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो 600MP की DSLR कैमरास, बैक साइड में होगा तो 48MP की सेल्फी स्नैपर, फ्रंट साइड में होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी क्या राय है स्मार्टफोन